Hi everyone, welcome to my channel and welcome to the third part video of this drawing. पिछली वीडियो में हमने देखा था स्किन शेडिंग प्रोसेस एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हेयर ड्राइंग प्रोसेस। तो कलर पेंसिल की हेल्प से आप किस तरीके से हेयर को ड्रॉ कर सकते हैं काफ़ी रियलिस्टिक वे में, एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा हेयर के ड्राइंग के साथ साथ मुस्टैसेस ड्राइंग एंड बियर्ड ड्राइंग भी। एंड गाइज, अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, चैनल पे अपलोडेड है एंड आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो जैसा कि रेफरेंस इमेज है उस तरीके से ही हमें कलर को चूज़ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है ब्रूस्टरो का कलर पेंसिल जो कि है डार्क ब्राउन शेड में, जिसको आप कह सकते हैं चॉकलेट, डार्क चॉकलेट शेड है। तो अगर आपके पास ये ब्रूस्टरो के कलर पेंसिल नहीं है तो आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं जिसका कलर इस तरीके का होना चाहिए, डार्क ब्राउन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्राउन से स्टार्ट कर रही हूँ हेयर को शेड करना। डायरेक्टली मैंने यहाँ पर ब्लैक का यूज़ नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक का यूज़ करने से इतना अच्छा लुक नहीं आएगा डायरेक्टली। तो पहले हमें एक बेस लेयर को क्रिएट करना है, तो हेयर में पहले मैं बेस लेयर के लिए इस पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से लेयर बाय लेयर अगर आप किसी भी ड्राइंग को करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखता है, चाहे वो हेयर ड्राइंग हो चाहे वो स्किन की शेडिंग हो। तो आपको सबसे पहले एक बेसिक लेयर को पहले कंप्लीट करना है एंड देन उसके बाद आपको उसमें और भी लेयरिंग करनी है। तो यहाँ पे ब्राउन कलर से मैं इस तरीके से लेयरिंग कर रही हूँ जैसा कि रेफरेंस समझ में है। जिस तरीके से हम ग्रेफाइट एंड चारकोल से पहले स्ट्रोक लगाते हैं हेयर पे, बस उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी काम करना है। तो फर्स्ट लेयर में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा होगा, बस आपको सिंपली इस तरीके से स्ट्रोक लगाते जाना है जैसा कि हेयर डायरेक्शन है रेफरेंस इमेज में। तो उसी हेयर डायरेक्शन की तरफ से आपको स्ट्रोक लगाने हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एंड इसी तरीके से जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ऐसे आसान तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो भी इसको बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हेयर स्टाइल है वो थोड़ी अलग है, यहाँ पे जो हेयर है वो काफ़ी छोटे हैं तो यहाँ पे स्किन भी दिख रही है। तो इसके लिए पहले हम स्किन को शेड करेंगे। स्किन शेडिंग का पूरा प्रोसेस वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मिल जाएगा मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी क्विकली ड्रॉ किया है क्योंकि यहाँ पे हमारा मेनली फोकस जो है वो हेयर पे है, तो बहुत ही आसान है स्किन को शेड करना। तो इस तरीके से स्किन शेड कर लेने के बाद अब मैंने वही कलर पेंसिल लिया है एंड उसकी हेल्प से बहुत ही छोटे छोटे मैं स्ट्रोक लगा रही हूँ क्योंकि जो हेयर है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं यहाँ पे। एंड अब मैंने लिया है ब्लैक कलर पेंसिल एंड इसके हेल्प से अब मैं सेकंड लेयर को प्रोवाइड करूँगी हेयर पे। तो पहले हमने एक बेसिक लेयर को प्रोवाइड कर लिया है एंड अब हम ब्लैक कलर पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्राउन कलर पेंसिल का यूज़ करने का यही रीज़न है कि हमें यहाँ पे काफ़ी आसानी हो जाती है हेयर को ड्रॉ करने में एंड जो वाइट शीट है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा अभी क्योंकि पहले हमने एक बेसिक लेयर को कंप्लीट कर लिया है ब्राउन कलर से। तो यहाँ पे वाइट शीट अगर दिखता तो वो बहुत ज़्यादा फिर उस पर मेहनत करनी पड़ती, हमें और भी ज़्यादा ऊपर से लेयरिंग करनी पड़ती, लेकिन पहले ही हमने लेयरिंग कर ली है एक बेसिक सी जिसकी वजह से जो वाइट शीट है वो नहीं दिखेगी एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक भी आएगा। एंड जब कलर के साथ कलर मिक्स होता है तो और भी अच्छा लुक आता है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ज़्यादा लेयर ऐड नहीं किया है फिर भी जो रिज़ल्ट है वो कितना अच्छा आ रहा है। एंड अगेन मैंने लिया है ब्लैक कलर पेंसिल एंड इसके साथ साथ मैं कहीं कहीं पे ब्राउन कलर पेंसिल का भी यूज़ करूँगी, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मैं हाईलाइट को भी ऐड कर रही हूँ वाइट कलर पेंसिल की हेल्प से। तो इसी तरीके से गाइज एक और लेयर इसमें मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, आप कह सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ब्लेंड करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। जैसे कि हम स्किन को ब्लेंड करते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हेयर की डायरेक्शन में ही आपको स्ट्रोक लगाना है एंड कुछ इस तरीके से स्मूथ इसको बनाने के लिए लेयरिंग करनी है।
यहाँ पर मैंने वाइट जेली रोल पेन का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे हेयर में थोड़ी सी ज़्यादा शाइन थी। यहाँ पे काफ़ी छोटे हेयर हैं तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ब्लैक कलर पेंसिल का यूज़ इतना नहीं किया है। यहाँ पर मैंने ब्राउन का डिफरेंट शेड लिया है, तो डार्क ब्राउन मैंने यहाँ पे लिया है एंड इसकी हेल्प से काफ़ी छोटे छोटे स्ट्रोक लगाए हैं। इसी के साथ हमारी जो हेयर ड्राइंग है वो कम्प्लीट हो चुकी है। अब हम ड्रॉ करते हैं मुस्टैच एंड बियर्ड को, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी हाईलाइटेड है एंड इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स है। यहाँ पर भी हम लेयर बाय लेयर काम करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट कलर पेंसिल लिया है एंड इसकी हेल्प से काफ़ी छोटे छोटे स्ट्रोक लगा रही हूँ, जैसा कि मुस्टाच के हेयर हैं। एंड ये वाला अगर इंडेंटिंग टूल आपके पास नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके का ब्लैंक पेन। इसका यूज़ करने का रीज़न ये है कि जो बियर्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है, तो वो हाईलाइट को शो करने के लिए इसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम इसका यूज़ करेंगे एंड इसके बाद जब हम कलर पेंसिल का यूज़ करने वाले हैं, तो तब यहाँ पे जो हाईलाइटेड हेयर है बियर्ड के वो अपने आप दिखने लग जाएंगे। तो आगे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो हाईलाइटेड बियर्ड है वो अपने आप दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इस टूल का यूज़ किया है। एंड यहाँ पर भी पहले हम स्किन को थोड़ा सा शेड कर रहे हैं एंड इसके बाद हम बियर्ड को ड्रॉ करेंगे, जिससे कि काफ़ी नेचुरल लुक आएगा। एंड अब हम यहाँ पे सेकेंड लेयर को प्रोवाइड करेंगे। तो ब्लैक कलर पेंसिल मैंने लिया है, साथ ही साथ थोड़े से और भी मैंने शेड्स लिए हैं डार्क ब्राउन के, तो इसका भी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर वाइट जेली रोल पेन का यूज़ किया है एंड इसके बाद इसको मर्ज करने के लिए अगेन कलर पेंसिल का यूज़ मैंने किया है। तो इससे जो मुस्टैच है उसमें जो शाइन है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है एंड काफ़ी यहाँ पे रियलिस्टिक लुक आ रहा है। Thank you.
एंड ये वाला जो लेयर है बिल्कुल ही लास्टली मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। ब्लैक कलर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन कलर पेंसिल का मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे जो डिटेल्स है, जो स्किन के साथ छोटे छोटे हेयर लगे हुए होते हैं, उसको भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हम हमारे जो बियर्ड ड्राइंग है उसको कम्प्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना रियलिस्टिक लुक आया है। एंड जो बियर्ड है उसके जो डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से इन्हेंस होके दिख रही हैं। तो आई होप आपको ये इजी ड्राइंग प्रोसेस काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहना। एंड मिलते हैं गाइज नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम इसको कम्प्लीट करने वाले हैं। सो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past in the past.